तन्ना प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशति गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हमारे वैष्णव दर्शन को आचार्य लोग ने बहुत सरल तरीके से समझाने का कोशिश किया है। वैष्णव फिलोसफी समझाना तो कठिन है, फिर भी उसको कविता का रूप में, गान के रूप में, अर्थात कितना कविता के रूप में क्या था, रोचक टेस्टी होता है और पेनिट्रेटिंग होता है, अंदर तक चले जाते हैं। तो हम भक्ति ठाकुर का कल्याण कल्पतरु लेकर चर्चा करेंगे। यह कुछ सेक्शन है, पहले सेक्शन वंदनम संस्कृत में है, उसके बाद है सेक्शन टू मंगलाचरण, ये बंगाली में है वंदनम, उसके बाद मंगलाचरण और उसके बाद पुस्तक आ रहा है। पुस्तक में तीन सेक्शन है, ये एक वृक्ष है, वृक्ष के तीन शाखा है। पहला शाखा का नाम उपदेश, दूसरा शाखा का नाम है उपलब्धि। हाँ, तो कितना सुंदर नाम दे, उसे होता है उप उपदेश। पहला शाखा का नाम क्या, उपदेश। दूसरा शाखा का नाम उपलब्धि, उपलब्धि अर्थात रियलाइजेशन उपलब्धि। तीसरे शाखा का नाम उच्छास एक्सटेसी। तो ये उसका बाद एक एक का सब डिविजन है बहुत सारे। तो पहले हम उपदेश में 19 उपदेश है, एक एक करके हम सुनेंगे, टोटल 62 सांग्स हैं। उपलब्धि में तीन प्रकार उपलब्धि है, अनुताप लक्षण, अनुताप अर्थात पश्चाताप, क्या पश्चाताप करना चाहिए, क्या उपलब्धि हुआ, इतना दिन पैसा कमा कर नौकरी कर कर क्या उपलब्धि हुआ है, वो नहीं है। ये अनुताप है उपदेश सुनने के बाद। उपदेश सुनने के बाद क्या हुआ, कुछ उपलब्धि हुआ, क्या उपलब्धि हुआ, अनुताप में जीवन क्यों नष्ट कर दिया, उसका उसका अनुताप लक्षण उपलब्धि, अनुताप पश्चाताप, वो व्याख्या करने के लिए पास संग है। उसके बाद आए निर्वेद लक्षण, उसको व्याख्या पास, निर्वेद लक्षण अर्थात पहला उपलब्धि, पहला है लक्षण अनुताप, दूसरा है निर्वेद, निर्वेद अर्थात डिस्पोंडेंट, बहुत हताश, मेरा दर्द होगा नहीं, पूरा समय नष्ट होगा, हताश। और तीसरा है संबंध विधेय प्रयोजन, ये उपलब्धि होता है, हमें संबंध क्या क्या करना चाहिए, प्रयोजन क्या, ये यह उपलब्धि का तीन स्तर। अभी उच्छास, उच्छास का कुछ पाठ है, उच्छास अभी एक्सटेज क्या होगा, यह करने के बाद प्रार्थना आएगा, नहीं अभी कुछ करना चाहिए, प्रार्थना सरकार कुछ है हमारे पास वो स्थिति में, लेकिन वो प्रार्थना अलग अलग पर करता है। दैनमयी दीनता के साथ, दैनमयी भगवान मेरा कोई है ना दिन, ये प्रार्थना हम वही समझाने के लिए पास गान है। और दूसरा तो है लालसामयी, किससे प्रार्थना करेंगे, ये भगवान आप कभी ना कभी मुझको दर्शन देंगे, मुझको तो उद्धार करेंगे, इस तरह है लालसामयी। पहला वाला क्या प्रार्थना, दैनिक दूसरा लालसामयी, और एक है यहाँ पर दूसरे कारण में वह संग प्रार्थनात्मिका, लेकिन उसका आपका विज्ञप्ति, विज्ञप्ति अर्थात अनाउंसमेंट, अभी हमें क्या करना चाहिए। अभी चौथा है उच्छास में कुछ कीर्तन है, नाम कीर्तन, कीर्तन नाम कीर्तन, रूप कीर्तन,
ये इसके अंदर है। चला लीजिए उधर में बैठ। हाँ, क्या क्या कीर्तन होना चाहिए? भगवान का नाम कीर्तन दो गान है, रूप का कीर्तन, गुण का कीर्तन, लीला कीर्तन और रास कीर्तन। इस तरह अलग अलग ये पुस्तक का अंश है। पहले वंदना है संस्कृत श्लोक, थोड़ा संस्कृत समझने की कोशिश करना। भक्ति मठ कितना किस तरह वंदन, एक पुस्तक लिखने वाले क्या वंदना कर रहे हैं। वंदे वृंदावन चंद्र चंद्रम राधिकाक्षी महोत्सवम ब्रह्मानंद धिक्कारी पूर्णानंद रसालयम। क्या पंडित है, वंदे मैं वंदना करता हूँ वृंदावन अटवी चंद्रम। ये नहीं देख सकते क्या? क्या मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसको देखा था सर? वंदे वृंदावन अटवी चंद्रम, मैं वृंदावन वृक्ष का वृंदावन बिंदा अटवी अर्थात क्या रहा है? हाँ, बिंदा अटवी चंद्रम, बिंदा अटवी अर्थात अटवी अर्थात वन, बिंदा अटवी। अटवी शब्द सुने ना भागवत में है, एक बहुत ही जगत के भवाटवी कहा ना, भवाटवी। तो बिंदा अटवी अर्थात वृंदावन, उनका चंद्रम कौन है? कृष्ण। राधिकाक्षी महोत्सवम, राधिकाक्षी महोत्सव अर्थात क्या? राधिका का आँख का महोत्सव, राधारानी का आँखों का महोत्सव क्या है? कृष्ण। तो वंदे वृंदावन अपटवी चंद्रम राधिकाक्षी महोत्सवम ब्रह्मानंद धिक्कारी, जो कृष्ण है कृष्ण को लाभ होने से ब्रह्म आनंद का जो धिक्कार करते हैं, और पूर्णानंद रसालयम, जो कृष्ण है समस्त रस का पूर्ण रस का आला है, अखिल रसा मृत्यु मुक्ति। कृष्ण को प्रणाम करने के बाद चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चंद्रम वंदे, मैं चैतन्य महाप्रभु को वंदन करना हूं। कृष्ण भक्त जनाश्रयम, मैं चैतन्य महाप्रभु बनना जिन्होंने कृष्ण भक्त का जनाश्रयम, जो कृष्ण भक्ति करना चाहता है तो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय में जाना चाहिए। कृष्ण भक्त जन का जो आश्रय है अद्वैत मत, अद्वैत मत, ये एक साथ लेगा ना, दो कौन कहा संधि हुआ, अद्वैत मत धौरो अपरदनम, अपरदनम। हाँ, अद्वैत मत धौर्य भारो अपनोदनम परम, अद्वैत मत अर्थात, अद्वैत मत अर्थात, हाँ अद्वैत बात, उनको उनको जो भार, भार अर्थात बोझ, अपनोदनम अर्थात, अपनोदनम अर्थात हटाना, अपनोदन जिस तरह अपनोदन, हाँ पश्चिम का तो पसीना हो गया है तो पसीना मिट गया, इसको अपनोदन बोलते हैं अर्थात हटाना। तो अद्वैत मत धौर्य भारो अपनोदन परम, जो अद्वैत मत एक प्रकार भार है, वो बोझ लेके चलते हैं, क्या बोले मनीजम जो क्या बोले अद्वैत मत, वो व्याख्या करना जरूरी नहीं। अद्वैत मत का जो भार है बोझ है, वो मायावादी उसको भार लेके बोझ लेके चलते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के चरण में आश्चर्य बोझ बोझ हट जाते हैं। अपनोदनम परम, चैतन्य महाप्रभु के चरण में आश्रय लेने से ये बोझ निकल जाता है। गुरुम वंदे महाभागम, गुरुम वंदे ये गुरुम वंदे महाभागम कृष्णानंद स्वरूपकम जन्मदे रचिष्यामी कल्याण कल्पपादपम। गुरुम वंदे महाभागम कृष्णानंद स्वरूपकम, मैं गुरु महाराज का प्रणाम करता हूँ जिन्होंने महाभागवत है, जिन्होंने कृष्ण आनंद स्वरूप है। समझ में आ रहा है लग रहा है सबको?
गुरु वंदे महाभागम, जिन्होंने कृष्ण आनंद स्वरूप, गुरु क्या है, गुरु है कृष्ण का आनंद स्वरूप। जन्म दे रचे स्वामी, जिसको जिसको खुश करने के लिए कल्याण कल्प पादपम, पादपम शब्द तो क्या है, हाँ पौधा प्लांट, पादप क्यों पेड़ से बांध करते हैं, पादप तो वृक्ष, तो कल्याण कल्प पादपम, कल्याण कल्प तरु क्यों लिखा, क्यों लिखा, क्यों प्रचार कर रहा है इंद्र भूगोल में, क्यों प्रचार कर रहा है गुरु के पसंद करने, हर काम के एक ही उद्देश्य होना चाहिए। जन्म दे रसे स्वामी, जिसको खुश करने के लिए मैं कर रहा हूं कपन, शिष्य का दूसरा कोई दुनिया में कम नहीं है गुरु का खुशी करने से उठकर। गुरु वंदे महाभागम कृष्णानंद स्वरूपकम, जन्म दे रचे स्वामी, जिसका आनंद वर्धन करने के लिए मैं रचना कर रहा हूं कल्याण कल्प पादपम, कल्याण कल्प तिरुनाम। अभी बनाना वृक्ष किया है थोड़ा एक्सप्लेन। अप्राकृत रसानंदे न दस्य केवल रति तस्दम न समालोचयम पुस्तकम प्रेम संपुटम। संपुट अर्थात क्या है, संपुट, संपुट नाम तो सुना है, हम नहीं जानते थे पहले संपुट पर, हमारे बचपन में मेरे माँ का एक चांदी का एक बॉक्स था, बॉक्स के अंदर उसके अंदर एक आधा बॉक्स में 5 रुपये रहते और चून रहते थे तो उसको संपुट बोलते थे। तो अभी समझ में, संपुट अर्थात बॉक्स, तो संपुट अर्थात बॉक्स, तो प्रेम संपुट अर्थात प्रेम का बाक्स। तो ये पुस्तक है पुस्तकम प्रेम संपुटम, ये पुस्तक है प्रेम का एक बाक्स है, लेकिन ये पुस्तक तस्यम न समालोचम, वो व्यक्ति के सामने आलोचना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अप्राकृत रसानंदे नजस्य केवल रति, इस चिन्मय आनंद में ये विषय में जिसको इच्छा नहीं है आनंद है, तो उनके पास ये विषय आलोचना करना जरूरत नहीं, जिसको जरूरत नहीं वो चले जाओ, नहीं तो हम क्लास करेंगे नहीं तो अप्राकृत रसानंद न दस्य केवलमती, और केवलमती केवल शब्द तो क्या है आने लगे, ये अप्राकृत रसानंद केवला रति होना चाहिए, हाँ शुद्ध, तभी केवल ये विचार चल सकता, यदि नहीं होगा तो ये पुस्तक पढ़ के समझ में आएगा नहीं, तो उनको नहीं पढ़ना है अच्छा, और उनका सामान्य चर्चा भी नहीं करना चाहिए। अभी वो वृक्ष क्या वर्णन है, सुन के लग रहा है पढ़ना चाहिए पुस्तक है अयम कल्प तरो नाम कल्याण पादव शुभ शुभा वैकुंठ नीलय भाती बने निश्रियश आहके। अयम कल्प तरो नाम, ये जो कल्प अयम, ये जो कल्प वृक्ष है, अयम कल्प तरो नाम, ये जो कल्प तरु कल्याण पादप शुभा, ये कल्याणकारी शुभ कल्याणकारी पुस्तक है। ये वैकुंठ नीलय भाती, वैकुंठ नीलय भाती अर्थात वैकुंठ नीलय अर्थात घर अर्थात वैकुंठ नीलय वैकुंठ जगत में, वैकुंठ नीलय भाती बने निश्रेषक आहवे, ये वैकुंठ नीलय भाती या भागवत में इस तरह श्लोक है, वह से भक्ति ठाकुर शब्द लिया लगा। तो ये जो मैं अभी वर्णना कर रहा हूँ कल्याण कल्पतरु, ये वैकुंठ जगत में था ये वृक्ष, वैकुंठ नीलय भाती बने निश्रेष का हवे, हाँ ये वैकुंठ जगत में जो मंगलकारी बागान था, वो बागान के अंदर ये वृक्ष उहा रहते थे,
तो वहां से भक्ति विनोद ठाकुर लेकर आया, कितना सुंदर वर्णन है। अभी वो जो वहां से वैकुंठ में जो वृक्ष था, तस्य स्कंद त्रयम शुद्धम वर्तते विशुद्धम मुदे उपदेश तथा च उपलब्धि दिश उच्च शीत का किल तस्य स्कंद त्रयम शुद्धम। वो वृक्ष जो वैकुंठ जगत में था उनका तीन शाखा था, तस्य स्कंद त्रयम शुद्धम और वर्तते विशुद्धम मुदे, और बहुत आनंद के साथ वैकुंठ में वो विलास करते थे वो वृक्ष। लेकिन उनका वर्तते विशुद्धम मुदे उपदेश तथा च उपलब्धि, उनका उपदेश तथा च उपलब्धि तो उच्छासक किल, उनका तीन स्तर शाखा था, एक उपदेश, एक उपलब्धि और एक उच्छास। आश्रित पादपम विद्वान कल्याणम लाभते फलम राधा कृष्ण विलासेषु दास्यम वृंदा बने बने। आश्रित पादपम विद्वान, जो विद्वान यो कल्प वृक्ष का जो आश्रय लेते हैं, हाँ कल्याणम लाभते फलम, उनको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आम का पेड़ जो उठने से क्या मिलेगा, आम फल। ये कल्याण वृक्ष में को जाने क्या मिलता है, कल्याण मिलेगा, क्या कल्याण मिलेगा, फल का। राधा कृष्ण विलासेषु दशम वृंदा बने बने, इसका अर्थ क्या है, वो जो फल है क्या फल, कल्याण फल। तो देखने कैसे है, जैसे कैसे है, भगवान का राधा कृष्ण का सेवा, दिस मीन्स इटर्नल सर्विट्यूड टू द परफॉर्मेंस ऑफ राधा कृष्ण। हमको यदि बोला प्रभु थोड़ा सेवा करेंगे और बार बार मुस्कुर क्यों बोलते हैं, भाई वही फल है, इधर में जो आया भगवान जो खुश हो फल दे रहा है, नहीं नहीं लेना चाहता है। गाय पाल रहा है, वो दूध दिया, हमको कोई दूध दे रहा है, कोई पागल बोलेगा क्या। आम का पेड़ लगाया, पका आम और ये आम क्यों लगाया, आम 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 घर है, कोई पागल बोलेगा। तो इस तरह मंदिर में कोई भगवान की सेवा करने कोई नाराज होकर काम को सेवा करने क्यों बोलते हैं, कितना पागल है, क्योंकि ये बिंदु ये वृक्ष का फल का नाम क्या है, सेवा, राधा कृष्ण के सेवा। जिसको ज्यादा सेवा करने का मौका मिल रहा है उनको ज्यादा फल मिल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य लोग जो धोखा देना चाहते हैं, देखो मैं कितना बुद्धिमान हूँ, सारा दिन सेवा नहीं करता हूँ और मुझको कोई बोलने वाला नहीं, इतना टेक्निक से चलता हूँ मैं। ओ धोखा खाते हैं और लोग हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं। दिस मीन्स इटर्नल सर्विस टू द परफॉर्मेंस ऑफ श्री राधा कृष्ण फर्स्ट टाइम इज द रियल ऑफ द ट्रांसेंडल फॉरेस्ट नेम वृंदावन विद इन द इनर मोस्ट सीक्रेट अबाउट ऑफ वैकुंठ। ये जो वैकुंठ जगत में है वृक्ष है, लेकिन फल क्या है, वो वैकुंठ का जो सर्वोच्च जगह है गोलोक वृंदावन, वहां पर राधा कृष्ण का शरण मिलेगा। सम्पूज्य वैष्णव विप्रम सर्व जीवांश नित्यश कीर्तयामि विनीतोऽहम् गीतम ब्रज रसाश्रितम्। सम्पूज्य वैष्णवम विप्रम, पहले तो कृष्ण को प्रणाम किया, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद गुरु, यह करने के लिए केवल उतना ही काफी नहीं है, सारे वैष्णव का भी कृपा चाहिए। सम्पूज्यम वैष्णवम विप्रम, सारे वैष्णव का, वैष्णव से जो नीचे है कौन है, ब्राह्मण विप्रम, सम्पूज्य सम्पूज्य अर्थात सम्यक रूपेण पूज्य, सम्पूज्य सही ढंग से प्रार्थना, पहले वैष्णव उसके बाद विप्रम,
उतना ही केवल नहीं, सर्व जीवांश नित्यश, सारे जीव को, सारे जीव को क्यों, हाँ सारे जीव को, हाँ कीर्तयामि विनीत हम, मैं उनका कीर्तन कर रहा हूं विनीत होकर, गीतम बजो रसाश्रितम, ये जो गीत है हाँ, I now humbly perform the chanting of the all the songs which are sheltered under the moat of Braja, just to worship all of the Lord's Jiva Soul. ये जो ग्रंथों में जो गाना आएगा ये ब्रजो रसाश्रितम, तो इसके बाद ये गान को भक्ति विनोद ठाकुर ने बांग्ला गान में लिखा है, तो बांग्ला गान में हम अगर पढ़ के जाएंगे उसके बाद व्याख्या करेंगे, जहाँ जहाँ समझ में नहीं आएगा अभी सर गान गाएंगे। जय जय श्री चैतन्य पतित पावन, जय 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 नित्यानन्द प्रभु अनाथ तर, जय जय दैत चंद्र कृपारोषा गौर, बहुत गौर की हवा आ रहा है यहाँ पर, जय रूप सनातन जय गदाधर, श्री जीव गोपाल भट्ट रघुनाथ दय, जय ब्रज धाम वासी वैष्णव नीच, जय जय नवद्वीप वासी भक्त गण, जय जय सवि मिली कृपा मोरे करो भीतर, निखिल वैष्णव जन दया प्रकाशिया, श्री जानव पदे मोरे राखो होटानिया, आमी तो दुर्भागायती वैष्णव ना चीनी,
মোরে কৃপা করিবে নো বৈষ্ণব আপনি শ্রী গুরু চরণে মোরে ভক্তি করো দান যে চরণ বলে পাই তত্ত্বের সন্ধান ব্রাহ্মণ সকল করি কৃপা মোর প্রতি বৈষ্ণব চরণে মোরে দেহ দৃঢ় মতি উচ্চ নীচ সর্বজীব চরণে শরণ লইলাম আমি দিন হীন কিঞ্চ সকলে করিয়া কৃপা দেহ মোরে বল বৈষ্ণবে করুণো এই গ্রন্থে রয়াদ গ্রন্থ দ্বারা বৈষ্ণব নির কৃপা পায় নির কৃপা বৈষ্ণব কৃপায় কৃষ্ণ লাভ হয় ভাই বৈষ্ণব মুখ যারে তাহার জীবন নিরর্থক জান ভাই প্রসিদ্ধ বচন শ্রী বৈকুণ্ঠ ধামে আছে
निश्चय शुभ ताहि शोभा पायो कल्प तरु यगन কল্প তরু নিত্য কাল নিত্য ধামে করে নবীরা স্কন্দতয়াছে তার অপূর্ব দর্শন উপদেশ উপলব্ধি উচ্ছ্বাস গণ সুভক্তি প্রসূন তাহে অতি শোভা পায় কল্যাণ নামক ফল অগণনতা যেসু জন এ বিটপি করে কৃষ্ণ সেবা সুকল্যাণ ফল তার শ্রী গুরু চরণ কৃপা সামর্থ লোভিয়া এহেন অপূর্ব বৃক্ষ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। तो थोड़ा व्याख्या करते हैं पहले से, तो इतना कठिन नहीं है, दो शब्द कठिन आ सकते। जय जय श्री चय केवल गान नहीं, कितना सुंदर प्रार्थना है। और केवल प्रार्थना है, किसको किस तरह प्रार्थना करना चाहिए वो भी देखना चाहिए, किसको कितना सम्मान देना चाहिए। ये प्रार्थना करना भी हाँ देखने सीखना चाहिए। सबका प्रार्थना एक ही तरह होता है क्या? नहीं होता है। शुद्ध भक्तों का प्रार्थना पावरफुल होते हैं। प्रार्थना किस तरह? जय जय श्री चैतन्य पतित पावन जय नित्यानंद प्रभु अधम तारण, ये तो समझ में आ रहा है। जय जय दैत्य चंद्र कृपार सागर जय रूप सनातन जय गदाधर जय जीव गोपाल भट्ट रघुनाथ द्वय रघुनाथ दो रघुनाथ रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास जय ब्रज धामवासी वैष्णव निचय निचय तो समूह वैष्णव विचार वैष्णव गण जय जय नवद्वीप वासी भक्तगण सबे मिले कृपा मोरे कर हरिशन वितरण। तो सब नवद्वीप वासी जितना है सब मिल के कृपा करो। क्यों? बहुत जरूरी है। एक मैं इतना पापी हूँ, एक आदमी का कृपा से मेरा होगा नहीं है। तो सब मिल के कृपा कीजिए। निखिल वैष्णव जन दया प्रकाशिया श्री जानवा पौधे मोरे राखो टानी। श्री जानवा माता को भक्ति विनोद ठाकुर शिक्षा गुरु रूप में मानते थे। तो वैष्णव सारे वैष्णव का की प्रार्थना है, सारे वैष्णव को ये प्रार्थना करना चाहिए कि मेरा गुरु चरण भक्ति हो। दूसरे को उसके प्रार्थना करना चाहिए मेरा गुरु चरण भक्त। निखिल वैष्णव जन दया प्रकाशिया सारे वैष्णव उसको कृपा करो ताकि श्री जन्मा पदे मोर राखो टानिया। हाँ सो दैट आई कैन गेट माई इटर्नल शेल्टर एंड द वेरी प्लेज अपॉर्चुनिटी ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु जन्मा बताज। आमी तो दुर्भागवती वैष्णव चीनी, बहुत पावरफुल बात है भाई। हम कोई जगह गया है सोना लेने के लिए, पता नहीं सोना किसको बोलते हैं, तो कैसे सम्मान करेंगे उनको? उसी तरह हमको पता है वैष्णव किसको बोलते हैं। हाँ भक्तों के साथ रहता है, उनको दोष देख रहे हैं, वैष्णव तो चिन्ह दूर की बात है। हमें शुरू शुरू आता था वैष्णव हाँ इस तरह वैष्णव बनेंगे, अभी तक लग रहा है कम से कम इस तरह तो वैष्णव तो नहीं बनेंगे। तो इतना और उन्नति हुआ है, पहले घर से भाग के आप इस तरह वैष्णव के साथ रहेंगे, अभी लग रहा है कम से तो इस तरह नहीं बनूंगा। तो हमारे कितना उन्नति हो गया पहले से। तो भक्ति पहले अच्छा था कि अभी अच्छा हो रहा है? तो असली ये अपारत के कारण वो एक ही दृष्टि है। पहले हम पहचान लिए ये कितना भक्त, वही भक्त के बाद छून के हम भक्ति में आगे बढ़ रहा। अभी 10 साल बाद उनके दोस्त देख रहा है, 10 साल पहले उनके बाद छून के भक्ति में आगे बढ़ रहा, अभी 10 साल बाद इतना बुद्धि हो गया भाई, इमोशनली गलत डिसीजन लिया है, अभी थोड़ा मैच्योर हो गया। हाँ थोड़ा है सोच समझ कर शरण रहना चाहिए, इस तरह ज़्यादा बुद्धि हो गया। तो वास्तव में वैष्णव हुए बिना वैष्णव को जानना मुश्किल है। तो यह क्या कर सकते हैं हम? कोई वैष्णव बोलेगा मैं वैष्णव हूँ, चैतन्य वह भगवान है, क्या समझ सकते भगवान है? कब समझ सकते? जब कोई वैष्णव का भगवान का कृपा होगा तभी समझ सकते। भगवान बोझ इतना शक्तिशाली है, यदि परिचय नहीं देना चाहता कौन उनका पहचान कर सकते? इसीलिए वैष्णव एक डॉक्टर, वो कितना बड़ा डॉक्टर है कौन समझ सकते? कौन समझ सकते? दूसरे डॉक्टर समझ सकते हैं,
वो कितना बड़ा डॉक्टर है। इसी तरह वैष्णव हुए भी ना वैष्णव को पहचान ले, यदि हम वैष्णव को नहीं पहचान तो उनका अवज्ञा करेंगे तब क्या होगा। अब सोचो मानो आप पूर्ववाद के समय जन्म लिया था, पूर्ववाद को समझा नहीं, अभी क्या लगेगा आपको? अभी नहीं लगता है अरे हमारे पिता दादाजी लोग हमारे गांव में पूर्ववाद आया था पहचान ले क्या दुर्भाग्य था, लगे नहीं? तो अभी पूर्ववाद आया था पहचान नहीं मिला, इससे सम्मान नहीं कर पाया, कृपा नहीं मिला, क्या ये इस्कॉन कि अचानक कोई सृष्टि हुआ है क्या लग रहा है? अभी इस्कॉन जो कर रहा है एक्सीडेंट है भी नहीं, हाँ क्या लग रहा है? सारा दुनिया जी कृष्ण भक्ति प्रचार हो रहा है, ये अचानक कुछ हो गया क्या? भगवान को कुछ प्री प्लान लग रहा है। यदि प्री प्लान होगा पूर्वज जो करके गया है वह खत्म क्या आगे जा चलने वाला है? यदि आगे चलने वाला है वह आपको कोई भौतिक आदमी आगे करेगा भगवान का शुद्ध भक्त करेंगे, तब इस्कॉन में इस तरह भक्त कुछ है कि नहीं? दुर्भाग्य हमारे आंख में नहीं देखा था, देखते हो सकते मैं इसके अंदर देखू। दुर्भाग्य लग नहीं समझ पा रहा है। तो हमारी स्थिति यह है आमी तो दुर्भाग्य अति वैष्णव नाची। दुर्भाग्य शब्द अर्थ क्या है? दुर्भाग्य शब्द अर्थ क्या है? दूर में भाग्य। हाँ इसका तो दुर्भाग्य होता है, दूर में भाग गया। हाँ भाग्य जिसका मंद है, दुर्भाग्य शब्द होता है इसका भाग्य जिसके नहीं है। भाग्य शब्द अर्थ क्या है? भाग्य शब्द अर्थ क्या है? भाग्य शब्द कहाँ से है? हाँ भाग्य शब्द कहाँ से है? हाँ भाग से आया, भाग से भगवान, क्यों भगवान? सर्वैश्वर्य उस तरह संपद जिसके पास वो भाग्यवान है। तो सबसे बड़ा भाग्य क्या है? जिसके पास कृष्ण है, जो कृष्ण समझ में आया कृष्ण का कृपा मिला नहीं वो क्या है? दुर्भाग्य। आमी तो दुर्भाग्यवती वैष्णव ना चीनी, तो वैष्णव को पहचान नहीं मिला सबसे दुर्भाग्य नहीं किया, इसीलिए दुर्भाग्य। हम सोना पहचान नहीं लिया उतना दुर्भाग्य नहीं है जितना वैष्णव को पहचान नहीं वो दुर्भाग्य। अभी मोरे कृपा करीबेन वैष्णव अपनी, हे वैष्णव ठाकुर मेरा तो पता नहीं आप कितना बड़ा वैष्णव है, आप मुझको कृपा कीजिए ताकि मैं आपको पहचान सकती। क्या सुंदर प्रार्थना है, इस तरह प्रार्थना कर सकते कभी हमारी बुद्धि में आया था? इस तरह प्रार्थना होना चाहिए। श्री गुरु चरणे मोरे भक्ति करो दान, श्री चरण जे चरण बोले पाई तत्वर सन्धान। तत्वर सन्धान था, तत्वर सन्धान था, तत्व चंदन था, तत्व चंदन था, तत्व का चंदन मिलना है। अरे भगवान कौन है? तत्व चंदन था, तत्व शब्द अर्थ क्या है? परम सत्य वस्तु। तत्व चंदन था परम सत्य वस्तु को जानना कैसे जान सकते? श्री गुरु चरण कृपा, श्री गुरु चरण की वजह तत्व का सन्धान। श्री गुरु चरण कृपा कैसे मिलेगा? वैष्णव का कृपा से। श्री गुरु चरण मोरे भक्ति करो दान, हे वैष्णव जन आप कृपा करो उसका वैष्णव का कृपा मिले, गुरु का कृपा मिले, कि गुरु का चरण का कृपा से मेरा तत्व का सन्धान मिले। क्या सुंदर प्रार्थना है, पता नहीं कहाँ चले गया मेरा। कहाँ बटन दबाने से खा रही? हाँ आ गया था। ब्राह्मण सकल करी कृपा मोर प्रति, सारे ब्राह्मण मुझको कृपा करो। क्यों क्यों ब्राह्मण का कृपा क्या जरूरत? हम तो वैष्णव हैं ना। ब्राह्मण सकल करी कृपा मोर प्रति, क्यों? वैष्णव चरण मोरे देह दृढ़मति, सारे ब्राह्मण के पास ये प्रार्थना करना चाहिए ताकि मेरा वैष्णव का चरण में मेरा मोती दृढ़ मोती हो जाए, उनका श्रद्धा बारे। तो पहले भगवान उसके गुरु, उसके बाद वैष्णव, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद सारे जीव। क्यों
উচ্চ নিচ্চ সর্বজীব চরণে শরণ, ছোট মোটা জীব নেই, হাতি কেবল নাই, চুহার তাক মৎসর তাক সবক শরণ। কিউ উচ্চ নিচ্চ সর্বজীব চরণে শরণ, লইন আমি দিন হীন অকিঞ্চন। সব উচ্চ সব জীবকে প্রতি মেয়ে শরণ লেনা চাতা হ, কিউ মৎসর কে প্রতি শরণ লেনা কে জরুরত হয়, চুহা কে প্রতি কে শরণ লেগে। ये लिखा नहीं है, मेरा लग रहा है भी हो सकते, चूहा भाई मेरा पुस्तक काटना मत। यह लिखते हैं गुरु भक्ति ठाकुर सुंदर में, सकले करिया कृपा देह मोर मोरे बर वैष्णवे करुण ग्रंथेर आदर। ईश्वरा आप आशीर्वाद करो वैष्णव सारे जीव, ईश्वर आशीर्वाद करो ताकि ये पुस्तक वैष्णव आदर करे, बस इसीलिए। इसको तो यह चूहा को बोलना काटना मत, और जब मैं पुस्तक पढ़ेगा उसको मच्छर तुम काटना मत, ताकि ठीक से पढ़े आदर के साथ पढ़ता। अरे क्या भाई क्या पुस्तक लिया मच्छर काटना शुरू किया, तो कम से कम सीधे। तो सकले करिए कृपा देह मोरे बर, सब कृपा करके मुझको भर दो, क्यों वैष्णव करो नहीं ग्रंथेर आदर। क्या सुंदर वर्णन है, ये हमारे लैपटॉप के अंदर है, देखा नहीं कभी, क्या पागल है। इतना संबोध आपको पता चला 10 साल बाद देखा, हाँ आपको घर में 10 किलो सोना पड़ा था, भीख मांगे खा रहा था इतना दिन, कैसे लगेगा। इतना सुंदर प्रार्थना है, कभी दिखा ही नहीं। हाँ दोस्त इजी का मैं बिजी हो गया उधर में। ग्रंथ द्वारा वैष्णव जनेर कृपा पाई, वैष्णव कृपा है कृष्ण लाभ है भाई। क्यों भक्ति ठाकुर पुस्तक लिख रहा है, ग्रंथ द्वारा वैष्णव जनेर कृपा पाई। भक्ति ठाकुर पंडित होने के लिए सम्मान पाने के लिए ये नहीं लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, इस तरह पुस्तक लिख के वैष्णव का कृपा। आपके सुनकर अरे भक्ति ठाकुर क्या काम किया, श्रद्धा नहीं बढ़ रहा है। तो इसी तरह वैष्णव ग्रंथ द्वारा वैष्णव जनेर कृपा पाई, वैष्णव कृपा है कृष्ण लाभ है भाई। जब तो ये पुस्तक क्यों लिख रहा है, पुस्तक इसलिए लिख रहा है वैष्णव कृपा करेंगे, वैष्णव कृपा से कृष्ण को प्राप्त होगा, इसीलिए दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। ये कोई गान बनाना पुस्तक बनाना ये पंडित होने के लिए नहीं, वैष्णव जन क्यों बनाते हैं, कृष्ण खुश करने के लिए। वैष्णव विमुख जा रहे ताहार जीवन निरर्थक जाना भाई प्रसिद्ध वचन। निरर्थक शब्द अर्थ क्या है, सार्थक का उल्टा है, सार्थक का उल्टा है निरर्थक। निरर्थक मीन्स हाँ निष्फल, निरर्थक अर्थात निष्फल जीवन। तो वैष्णव विमुख जा रहे तहार जीवन, वैष्णव विमुख अर्थात जिसका वैष्णव का वैष्णव विमुख शब्द अर्थ क्या है, हाँ वैष्णव विमुख अर्थात क्या, हाँ जिसे वैष्णव जिसको नहीं देखते हैं, हाँ जो वैष्णव को नहीं देखते हैं, हाँ जो वैष्णव को नहीं देखते हैं, वैष्णव जिसको नहीं देखते कौन सा वैष्णव, हाँ वही है कि उन्मुख, मुख का समान जो देखते नहीं, जिसको शरण नहीं, जिसको श्रद्धा नहीं। वैष्णव विमुख अर्थात अर्थात जो वैष्णव को शरण नहीं लेते हैं, जो वैष्णव को श्रद्धा नहीं करते, वैष्णव के पास नहीं जाते हैं, वैष्णव के प्रति उन्मुख शब्द अर्थ क्या है, वैष्णव के तो उन्मुख उसका विपरीत है विमुख। अर्थात वैष्णव के प्रति जब आकृष्ट नहीं है तो उनका जीवन है निरर्थक। ये हमारे बात नहीं है, प्रसिद्ध वचन शब्द अर्थ क्या है, सारे आदमी जानते हैं ये बात, ये बात सब जानते हैं, जो उनका जीवन निरर्थक यदि वैष्णव के प्रति विमुख होता है। श्रीकुंठ श्री वैकुंठ धामे आचे निश्रेयस वन ताहे सेवा पाए कल्प तरु अवनन। इसके बाद संस्कृत में जो पढ़ा है उसका व्याख्या है, इसको हम आगे से और लंबा है, ये वृक्ष कैसे वैकुंठ जगत से भक्तिविनोद ठाकुर लेकर आया काल व्याख्या करेंगे। वैकुंठ जगत में वृक्ष था, वो वृक्षों का क्या क्या शाखा
संस्कृत में पढ़ चुका, लेकिन यह बंगाली में भक्ति ठाकुर ने और विस्तृत वर्णना किया। हरे कृष्ण कल्याण कल्पतरु की सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर की सारे गौर भक्त जगत गुरु शिल्पोपाद गौर प्रमानंद।